फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर मर्डर केस को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से पीड़ित परिवार संतुष्ट है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जांच एसआईटी कर रही है और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। निकिता के साथ बहुत गलत हुआ है, हमारी सरकार बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कार्रवाई इस समय सरकार की चल रही है वो लोग संतुष्ट हैं। दो घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने जो कल्प्रेट थे उनको पकड़ लिया, उनकी सहायता करने वाला एक तीसरा अपराधी उसको भी कल पकड़ लिया है और उसकी फास्ट एक प्रकार से जो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, पुलिस को हमने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका चालान, जो भी सामग्री इकट्ठी करनी है चालान पेश करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर इसको जो है इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौने अपराध को करने की एवज में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। जिसकी संलिप्तता इस अपराध में मिलेगी उन सबके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।